एनसीईआरटी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 है, ठीक है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। क्लियर है? ओके, चलिए देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 कहता क्या है। एब्स ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। क्लियर? सी लेवल से। तो चलिए अब हम बताते हैं कि ये हमारा एक लाइट हाउस हो गया। चलिए ये हमारा क्या है? लाइट हाउस। चलिए हमने लिख दिया लाइट हाउस। चलिए तो लाइट हाउस तो इसका नेम दे रहा होगा। चलिए नेम दे दिया ए और इसको दे दिया बी। क्लियर है? अब देखिए कितना हाइट है, 75 मीटर। चलिए हमने यहां पर 75 मीटर भी दे रखा है, यानी कि ए भी 75 मीटर है। ओके ना, चलिए ये एक फ्रॉम द सी लेवल, तो चलिए यहां से ऐसे समुद्र हो गया। ये क्या है? समुद्र है, यानी कि सी है। तो अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में अलग टाइप से एक स्ट्रेट लाइन से इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। चलिए हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखिएगा क्या है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो नावें हैं एंड आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कोई बात नहीं, टू शिप्स है तो टू शिप्स, तो हमने बताया है लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया है, सुनिएगा ध्यान से क्या, कि अगर टू साइड्स है पैरेलल है तो पैरेलल है, तो देखिएगा यहां पर हमने एक पैरेलल लाइन बना दिया, ठीक है, और एक यहां पर हमने एक शिप रख दिया ए, ए भी है तो यहां पर हमने शिप रख दिया सी, एंड तो यहां पर कह रहा ना कि यहां पर शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, सुनिएगा ध्यान से, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर 45 डिग्री है, तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि दो पैरेलल लाइंस होती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, जो एंगल ये होता है एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल होता है, ठीक है, तो ये एंगल ये इक्वल, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा जरा सा ध्यान से, अब कह रहा है ना कि 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, चलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो आइए आइए आइए, तो यहां पर ये 30 डिग्री हो गया, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। चलिए एक सी नाम है तो एक डी नाम दे दिए। चलिए ये क्या है, सी भी बोट है यानी कि शिप्स है और डी भी हमारा शिप्स है। चलिए अब कर, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के ये सेम साइड है, ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी कि यही तो टू शिप्स है, टू शिप्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया, एम आई राइट ना? चलिए हम बात करते हैं, देखिएगा, चलिए अब हम देखिए ये सी डी निकाल दिए तो यही तो डिस्टेंस है, क्या है, ये भी यही तो डिस्टेंस है टू बोट के, टू शिप्स के बीच में। देखिए ये टू शिप्स कहने यानी कि दो जहाज हैं, अगर बोट रहता तो यहां पर नाव हो जाता। क्लियर है? चलिए अब सॉल्यूशंस कैसे करेंगे देखिएगा, तो देखिए टावर बी लेट, टावर बी ए बी ये दिया हुआ है 75 मीटर, कोई बात नहीं। अब देखिएगा शिप्स क्या है, शिप्स सी एंड डी, ठीक है, तो सी डी इक्वल टू हमको निकालनी है, ये क्या करना है, सी डी इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो ये तो यहां पर हम लिख देते हैं डिस्टेंस, शिप्स दो है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या है जी, तो सी डी है, तो देखिए सी डी और हमको सी डी निकालना है। क्लियर है? सी डी है और सी डी हमको निकालना है। चलिए अब पहली बात करते हैं कि अब सबसे पहले इस ट्रायंगल में हम आते हैं ए बी सी में। ओके, क्लियर है ना? चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, कोई बात नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा तो यहां से जैसे ही ये एंगल लेते हैं तो सामने का एक एरो करते हैं और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है तो ये हमारा बेस बनता है, और देखिए परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताता है टीपी, ठीक है, टीपी भाई, तो कहने का मतलब देखिए tan थीटा किससे रिलेशन रखता है, परपेंडिकुलर एंड बेस से।
क्लियर है ना। तो चलिए एंगल कितना है, देखिए एंगल पहले देखते हैं, एंगल 45 डिग्री है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं टैन, टैन 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ओके ए बी बाई बी सी। अच्छा टैन 45 का वैल्यूज कितनी होती है, वन ना, चलिए वन हमने लिख दिया। और यहाँ पर ए बी, ए बी इक्वल टू कितना है 75, तो चलिए हमने यहाँ पर 75 लिख डाला और बी सी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर बी सी में वन से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी होगा, बी सी इक्वल टू 75, चलिए बी सी इक्वल टू 75 मीटर। चलिए हम इसको वन मान लेते हैं, क्या माने वन, ओके ना। अब हम बात करते हैं, देखिएगा अब देखिए, अब हम लेते हैं ए बी डी इंटर एंगल, नाउ इंटर एंगल ए बी डी, चलिए ए बी डी में आ चुके हैं और इसमें थीटा क्या है, तो देखिए थीटा है 30 डिग्री, चलिए 30 डिग्री ओके। अब इससे भी एक एरो चलाते हैं, तीर चलाने में तो रवि सर माहिर है, तो चलिए हमने तीर चला दिया। तो ये देखिए ये भी जाकर टकराएगा इससे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं, तो आइए टैन थीटा ही रिलेशन बताएगा, तो टैन 30 इक्वल टू ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ए बी तो दिया है 75, ए बी दिया हुआ है, तो खैर कोई बात नहीं, आइए हम यहां पर आते हैं। ए बी 1/√3 लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए 1/√3 टेन 30 का वैल्यूज होती है, ए बी है हमारा 75, चलिए 75 है। बी डी सुनिएगा ध्यान से, बी डी के बदले हम लिख सकते हैं सी डी प्लस बी सी, यानी कि सुनिएगा बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं ना, बी सी प्लस सी डी, तब जाकर बन गया बी डी, क्लियर है। चलिए बी डी के बदले लिख दिया। अब हम बात करते हैं 1/√3 इक्वल टू 75 बाई बी सी, बी सी इक्वल टू कितना है 75 आ चुका है, चलिए 75 प्लस सी डी, यहां पर हम लिख देते हैं फॉर्म इक्वेशन, किसे ले रहे हैं वन से ले रहे हैं, वन है अभी, चलिए देखिएगा मस्त मैथ। देखिएगा यहाँ पर √3 में 75 से मल्टीप्लाई होगा और 75 और सी डी को इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो देखिए हम लिख सकते हैं 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75√3। अच्छा 75 उस तरफ जाएगा राइट साइड में, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो चलिए √3 - 75। अच्छा दोनों में 75 कॉमन है, तो वी कैन टेक कॉमन, तो चलिए आइए सी डी इक्वल टू 75√3 - 1। तो कहने का मतलब होता है, चलिए यहीं पर हम डेरा डाल देते हैं, डेरा डाल देने का मतलब हमारा यहां पर अब आराम करेंगे, यानी कि यही तो आंसर है। चलिए देखिए यही तो निकाला था ना, डिस्टेंस बिटवीन टू सिप्स क्या मानते हैं सी डी, और सी डी का वैल्यू हमारा आ चुका है, तो यही हम करते हैं, लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू क्या तो सिप्स, यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए हमने आंसर लिख दिया, चलिए ठीक है इसको नोट कर लीजिए।